आज मैं ये बताना चाहूँगा, अक्सर जो शिकायतें आती है कमर दर्द के लिए, यानी साइटिका हो या स्लिप डिस्क को किसी भी तरह से जो कमर में जो तकलीफें बढ़ जाती हैं, तो इसमें बहुत सारी बातें ये होती है कि एक्सरसाइज कभी इतनी ज़्यादा तकलीफ हो जाती है कि डॉक्टरों के अनुसार आपको कहा जाता है कि बेड रेस्ट करना है। ठीक है, तो रेस्ट करेंगे लेकिन कितने दिनों तक, तो उसमें रेस्ट करना है चूंकि एक्सरसाइज करने के लायक उसमें ताकत नहीं होती और दर्द होता है, तो दर्द के कारण हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते और एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारा आगे की तरफ सुधार नहीं होगा। तो जो डॉक्टर लिखते हैं बेड रेस्ट करना है या ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ट्रैक्शन वगैरह देना है, तो अब ये मैं ऐसा एक तरीका बताता हूँ कि उस हालत में भी आप अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं, एक्सरसाइज के लायक आप बन सकते हैं ताकि अपने आप को फिर कंट्रोल कर लें और किसी के हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब उसमें जैसे एक तो है उठना बैठना लेटना, सपोज आप लेटे हुए हैं एक्सरसाइज नहीं कर रहे, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को इस तरह से करना है कि फिर हम एक्सरसाइज करने लायक बन जाए और फिर इसको क्योर कर दें और ये जान लें कि ये 24 साल पुराना भी अगर तकलीफ है तो 4 दिनों में इसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसका सही तरीका हमें जानना है। अब मैं ये बताता हूँ, जैसे कि अगर सपोज कि दाहिनी तरफ अगर तकलीफ है, कमर में दाहिने साइड से अगर ज़्यादा तकलीफ है, तो उठने और लेटने की कोशिश करें बाई तरफ से, इस तरफ से लेके पहले बैठे, पैर को फोल्ड कर दिए, ये पैर को टाँग लिए, उसके बाद कोहनी को लगाए, आहिस्ता से लेट गए। और यदि इस तरफ तकलीफ है तो आप तरीका ये अपनाएं कि दाहिने साइड से जिस तरफ तकलीफ है उसका उल्टा साइड से उठने लेटने का तरीका अपनाएं। ऐसे लेटे, उठाए, फिर लेट गए, सुपुर्द लेके साइड हो गए, फिर उसके बाद पैरों को मोड़े रखेंगे, पूरी तरह जब सीधा हो गए फिर एक एक पैर को सीधा किए, फिर दूसरे पैर को सीधा किए। अब है कि आप लेटे हुए हैं, सीधा इंसान बहुत देर तक ज़्यादा लेटे नहीं रह सकता, तो रेस्ट का मतलब है, जैसे रेस्ट बताया जाता है कि आप रेस्ट करेंगे लेकिन कितने दिनों तक ये कोई नहीं बताता है, लेकिन हमें इतना करना चाहिए कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हमें इस लायक बनना है कि लेटे लेटे फिर उस तरह से अपने आप को इतना तैयार कर देना है कि हम एक्सरसाइज करके और फिट हो जाए। अब ये देखिए, लेटने में हल्की एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज नहीं बिल्कुल, जैसे अगर मूवमेंट, चूंकि बिल्कुल कुछ मूवमेंट नहीं करेंगे, कोई हरकत नहीं करेंगे, तो एक नई तकलीफ हो जाएगी, बॉडी इनएक्टिव हो जाएगा, तो जहाँ तहाँ तकलीफें होनी शुरू हो जाएगी, इसलिए कुछ मूवमेंट भी ज़रूरी है। अब देखिए हल्की मूवमेंट मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे ये आपने लेट गया, अब लेट करके हम सीधा यदि लेटे हुए तो सीधा लेटने के कई तरीके हैं, एक तो कभी इस एक पैर को मोड़ लें फिर एक पैर को सीधा रखें, फिर कभी दोनों पैरों को मोड़ लें फिर दूसरे पैर को सीधा करें, कभी यह तरीका अपनाएं कि पैरों के नीचे अब कोई नहीं है तो अपने हिसाब से पैर को ऐसे किए और ये लेटेंगे, तो इसमें ज़्यादा देर तक आप सीधा लेट सकते हैं और कमर की नसें फ्री हो जाएगी, तो इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर ये रह करके हल्का हल्का स्ट्रेच करें, ये पार्ट टाइम, ज़्यादा नहीं 10-10 बार, और ये जो मैं उठा रहा हूँ तो सिर्फ एड़ी का घुटने से लेकर यहाँ तक की जोर पड़ रहा है, कमर से कोई प्रेशर नहीं दे रहा, आहिस्ता से उठाया फिर छोड़ा, फिर उठाया फिर छोड़ा। अब मैं ये बताना चाह रहा कि इसका जो स्लिप डिस्क साइटिका का जो पार्ट वन मैंने बताया तो उसमें जैसे है पैरों को पूरा उठाना है, लेकिन आपको तकलीफ इतनी है कि अभी वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो फिर वहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है कि देखिए धीरे धीरे एक पैर को लाए ये घुटने के बराबर में, थोड़ा सा गैप रखें, एक पैर को हल्का देकर थोड़ा उठाए, पैर के पंजे पर ज्यादा जोर दें, हल्का कमर को उठाए फिर छोड़ दिए, फिर ये उठाए फिर छोड़ दिए, फिर आहिस्ते पहले दूसरे पैर को आप वापस लेंगे, उसके बाद अगला पैर को सीधा करेंगे। बेहतर तरीका यह है, ये नहीं कि आप दोनों को सीधा करें उसके बाद इसको करें, अगर ज्यादा तकलीफ है तो और आसान है कि एक मुड़ा हुआ ही रहे, दूसरे को मोड़ लें फिर एक को सीधा करें, तो इससे उतनी तकलीफ नहीं होगी। दूसरी बात,
जब ये दोनों करने लगेंगे तो 2-3 दिनों में आप इस लायक हो जाएंगे कि दोनों का गैप देख करके फिर आप ये कमर्स को उठा सकते हैं, फिर धीरे धीरे उठाएंगे फिर रखेंगे। खैर वो तो ये हो गया, धीरे धीरे उठाए जितनी उठ सकता है इसको उठा करके और सीधे वापस लाएंगे। अब इसमें लोग गलती क्या करते हैं कि उठाते हैं तो उनको लगता है कि हम आगे की तरफ प्रेस किए तो पीछे लाने की कोशिश करते हैं। नहीं, आप सीधा उठाए और जैसे लाए वैसे ला करके ढीला छोड़ दें। देखिए अब ये एक अंदाजा लगा ले, हो सकता है किसी का थाई बहुत ज्यादा है, पैर ज्यादा पीछे नहीं आ सकता या घुटने में तकलीफ है तो आप ज्यादा नहीं मोड़ सकते, तो कम से कम जितना हो सके लेकिन दोनों पैरों के बीच गैप देना जरूरी है। गैप दे करके हाथ का ऐसे पंजा नहीं रखेंगे, पंजा बिल्कुल नीचे की तरफ, ताकि इसका भी सपोर्ट आपको मिल पाए। आहिस्ता से हिप्स को उठाए, उठाने के बाद जितना हो सके रोके फिर रखें। ये हो गया एक पार्ट टाइम करेंगे, जब मैंने बताया बहुत ज्यादा तकलीफ है तो उसके बाद पार्ट टाइम कभी ये दोनों का एक साथ कर सकते हैं। अगर उतना भी दिक्कत होती है तो आसान है, एक पैर को करें सीधा ये उंगलियों का, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर धीरे धीरे उसके बाद इसे गोल गोल आहिस्ता। अब देखिए गोल जब मैं कर रहा हूं तो पूरा पैर नहीं घूम रहा है, सिर्फ एंगल से टुकड़ा से सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता घुमाए ये 10-10 बार। ये याद रखें जब ऊपर नीचे करेंगे तो जितना ज्यादा चाहे कर सकते हैं, 30-40-50 बार कर सकते हैं, ये कम से कम 10 करना जरूरी है, लेकिन गोल घुमाने वाला मात्र 10 बार, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। और आसानी से देखिए पूरा पैर घूम रहा है तो पूरा पैर नहीं घूम रहा है, पेल्विक जॉइंट स्थिर है, नहीं स्थिर है, सिर्फ एंकल से मूवमेंट हो रहा है, सिर्फ एंकल से। उसके बाद इस पैर को फिर वापस मोड़ लिए, ठहर गए, उसके बाद दूसरे पैर को लिए। फिर मैं यहाँ बता रहा हूँ कि अब इस पैर का हो गया तो हमें इस पैर का करना है, तो तरीका ये नहीं है इसका बेहतर। अब जैसे लोग सोचे इसको सीधा कर दे उसके बाद इसको लाए, करना तो ऐसे ही है, लेकिन बेहतर तरीका यह है कि पहले दूसरे वाले को मोड़ लें उसके बाद अगले पैर को फिर सीधा करें, तो ये आसानी होगी। फिर इसको भी उसी तरह से करें, उसके बाद इसे गोल गोल घुमाएं, फिर इस तरह से गोल गोल घुमाएं, अब उसके बाद फिर ये रख सकते हैं। कभी अब सपोज पैरों को मोड़ के रखना तो ज्यादा आराम होगा। अच्छा, सोने में पैर कभी ऐसे नहीं होना चाहिए, पैर अगर ऐसे हो गया तो ये तकलीफ बढ़ जाएगी। अब लोगों को लगता है लेटे हुए हैं तो फिर भी तकलीफ हो रही है तो पोस्चर गलत हो जाता है। तो अब इसका तरीका ये है कि अगर आपकी आदत है कि पैर ओपन तो इसको ऐसे रख दो ताकि ये डाउन नहीं हो। अब ये डाउन नहीं होगा तो तकलीफ नहीं होगी, और चाहें तो इसका और हाई कर दें, बेहतर तरीका है। अब आप करवट भी लेट जाएंगे तो पूरी तरह से सेफ है, करवट ज्यादा देर लेट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से पोस्चर बदल बदल के आप लेटेंगे भी और फिर धीरे धीरे ये सुधार होता जाएगा। अब रहा कि मैंने ये बताया कि पहले एक हल्का उठाए, फिर जब ये होने लगे 2-3 रोज में, उसके बाद फिर दोनों को मिलाकर उठाने का ये कोशिश करें। ये जब अच्छा होने लगे फिर देखिए एक पैर को सीधा किया, अब ये ट्विस्ट करेंगे दोनों हाथों को थोड़ा सा ऊपर कंधे से नीचे, अब हल्का सा पंजा दबा हुआ, देखिए घुटने के बराबर में पैर के पंजा को रखा और करीब में रखा, उसके साथ में रखा, अब एड़ी को हल्का सा उठाया और हिप्स को कमर से प्रेशर नहीं पैर के पंजे से ठेल दिया, पुश करेंगे आहिस्ता, गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी नॉर्मल, हाथ का पंजा नीचे की ओर, और आहिस्ता से जितना हो सके 10-12-15 सेकेंड्स रुकने के बाद फिर धीरे धीरे वापस आ जाए, फिर ठहर गए, ठहरने के 2-4-5 सेकेंड्स के बाद फिर से इसे करें आहिस्ता, बिल्कुल कहीं ताकत नहीं लगानी है, कोई बॉडी का कोई पार्ट को टाइट नहीं करना, पूरा बॉडी एकदम लूज रहेगा, एकदम स्मूथली आसानी से, इसमें बहुत ज्यादा जोर भी नहीं लगेगा और आराम मिलेगा। ये किए फिर आहिस्ता से वापस छोड़ दिए, अब उसके बाद फिर देखिए तरीका वही है, फिर दूसरे पैर को मोड़िए, जो पैर कर चुका है उसको अब सीधा कर दिया, ठीक इसी तरह फिर इधर किया ट्विस्ट किए, फिर ठहर गए,
लेकिन एक पैर को करेंगे तो लगातार 5-7 बार करेंगे, बारी बारी चेंज कर करके ऑल्टरनेट नहीं करेंगे, वरना तकलीफ कमर पे ज्यादा जोर पड़ेगा। फिर ये कर दिया, फिर ये ठहरे, अब उसके बाद फिर इसको करेंगे। फिर अगर हाथ में फ्रोजन शोल्डर का तकलीफ नहीं है तो आप एक पैर को कुछ नहीं करें, सिर्फ ये इंटरलॉक किए, आप ऐसे रोक के रखें, धीरे धीरे दबाए, छोड़ दिए, आहिस्ता से दबाया, सांस छोड़ करके नी को जो है कंधे की ओर हल्का हल्का टानेंगे, रोकेंगे, फिर ठहर जाएंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर दूसरे पैर को टानेंगे, रोकेंगे, फिर छोड़ देंगे। ये इस तरह का मूवमेंट उस वक्त के लिए है जब डॉक्टर ने मना कर दिया है कि कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे आप, सिर्फ बेड रेस्ट चाहिए, तो ये बेड रेस्ट के लिए तरीका बताया गया है, टेक्निक कि हम रेस्ट करेंगे भी तो कैसे करेंगे, ज्यादा देर तक हम लेटे रहेंगे भी तो कैसे रहेंगे। तो इसमें आपका मूवमेंट भी होता जाएगा, दर्द भी कम होता जाएगा, फिर बॉडी एक्टिव होता जाएगा, फिर स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा और स्टेमिना भी बढ़ेगा। अब एक तरीका है, जैसे हमें उल्टा लेटना है, तो उल्टे लेटने में लोग प्राय क्या करते हैं, ऐसे उठे, इस तरह से उठते हैं, तो ये गलत हो गया, इसमें कमर पे जोर पड़ेगा, यहां से ट्विस्ट हो जाएगा, मुड़ जाएगा, तो वैसा नहीं करना है। ये सिर्फ ये है, देखिए एक पैर को इधर उठाए, दूसरे पैर से सिर्फ इधर कर दिए, ये हो गया, दोनों हाथों को आगे कर दिए, ये इंटरलॉक किए, सीधा टर्न कर गया, अब ये टर्न कर गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब रहा ये पैर उठाने का जो है वो एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते, तकलीफ ज्यादा है, तो सिर्फ इतना करेंगे दोनों हाथों को यहां तक लाए कंधे के बराबर में, सामने से देखिए कंधे के बराबर में लाए, और जितना हो सके, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना, और सामने ऊपर देखने की चेष्टा करेंगे, देखें जितना हो सके रोके, फिर आहिस्ता से पहले गर्दन नहीं झुकाए, चेस्ट को झुकाए, ठहर गए, ठहर करके रेस्ट कर दिए, पूरा बॉडी लूज, फिर आहिस्ता से ऊपर किए, जितना हो सके रोके, फिर आहिस्ता चेस्ट डाउन, फिर हेड को डाउन करेंगे, फिर ठहर जाएंगे, 5-7 बार इसको करें, उसके बाद कुछ नहीं करना, सिर्फ दोनों हाथों को कंधे से आगे, कंधे के बराबर में या आगे, दोनों के बीच में 4-6 इंचेस का गैप दे देंगे, और जितना सुविधा लगे आपको, उसके बाद दोनों हाथों को तलती को मिलाकर ठुड्डी को रख देंगे। अब देखिए इसमें एक एक पैर, अगर पहले चाहे एक पैर को घुटना को सीधा ऊपर करेंगे, फिर छोड़ेंगे, यदि दोनों करना चाहें तो उसमें तरीके कई हैं। जैसे ये देखिए दोनों नी को ऊपर उठाया, अब इसमें 3 तरीका होता है, नी को सीधा ऊपर उठाना, फिर नी को कमर की तरफ प्रेस करना, या एड़ियों को, हील्स को नीचे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, बॉडी से अपोजिट उसको प्रेस करना, तीनों सही है, लेकिन अपने कंडीशन के हिसाब से हमें अपनाना है। सपोज अगर किसी के नी में यहाँ नसों में ज्यादा तकलीफ होती है, तो उनके लिए बेहतर है कि नीचे की तरफ एड़ी को चेयर की तरफ, जो नीचे की तरफ मैं प्रेस कर रहा हूं, तो नीचे की तरफ ठेलें, फिर वापस छोड़ दें, उठाया, टाना, छोड़ दिया। अब किसी को स्लिप डिस्क साइटिका नहीं, जो पैरों में तकलीफ होती है उसके नहीं, जो सिर्फ यहीं तक तकलीफ रहती है उसके लिए तरीका है कि नी को उठाए और थोड़ा कमर की तरफ प्रेस करें, यानी इसको इधर की तरफ, चेस्ट की तरफ प्रेस करें, तो यहां दबाव ज्यादा होगा, एक ये तरीका हुआ। या किसी को इक्वल है, सिर्फ पैरों में ज्यादा तकलीफ रहती है, तो उनके लिए दोनों तरीका सही है, नी को भी स्ट्रेच करें, घुटने में अगर तकलीफ है, यहां ज्यादा जकड़न स्टिफनेस रहता है, तो ये करें, तो आप दो ही तरीका को अपनाएं, एक नी को स्ट्रेच करने का और एड़ी को, हील को नीचे की तरफ प्रेस करने का। उसके बाद पैर को रोककर आहिस्ता आहिस्ता फिर ये मूवमेंट करेंगे। अब इसमें मैं एक चीज बात बता रहा हूं, जितने भी तकलीफ है फिर रेस्ट करें, और इस पे दबाना नुकसान
मालिश करना बहुत ही ज्यादा नुकसान, बहुत ज्यादा अगर तकलीफ है तो हल्के काम ये कर सकते हैं, नमक को तवा पे गर्म करके और जब गर्म हो जाए पूरा उसके बाद सूती कपड़े में बांधकर, कॉटन के कपड़े में बांधकर फिर उसे हल्के हल्के राउंड 10 मिनट से ज्यादा नहीं 10 मिनट सेक देंगे। उसके बाद अगर कोई जेल या कोई स्प्रे वगैरह अगर देते हैं पेन रिलीवर तो आप उसके बाद लगाएंगे सेकने के बाद, और इतना काफी है, इससे ज्यादा कोई और मेडिसिन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेक भी देंगे। जैसे इस पर प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, दबाव नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद फिर लेटना लेटे हैं, सीधे हो गए, फिर करवट चाहे तो करवट हो गए या फिर सीधे, अब सीधे आकर के फिर ये एकदम हल्की एक्सरसाइज, ये अब देखिए इसके सहारे ये, फिर जैसे मैंने पहले बताया इससे पहले कि एक एक पैर को ऐसे दबाएंगे तो उसी तरह एक पैर को ले लिए, दूसरे पैर को भी टाल लिए। अगर यदि आप यहां से पकड़ सकते हैं तो और भी अच्छा, दोनों को पकड़ लिए और थोड़ा सा दबाए, फिर ढीला छोड़ दिए, ठहर गए, फिर टाने, फिर छोड़ दिए, फिर टाने, फिर छोड़ दिए। उसके बाद एक एक करके दोनों एक साथ नहीं डालेंगे, एक पैर को पहले रखें फिर दूसरे पैर को रखें कहीं भी, उसके बाद एक पैर को फिर सीधा किए, दूसरे पैर को सीधा किए। अब देखिए दोनों पैरों के बीच एक फुट का गैप, दोनों पैर का अंगूठा मिलाए, फिर आहिस्ता छोड़े। अब ऐसे लोग करते हैं लगाए वापस, वापस नहीं करना है, सिर्फ सीधा है, दोनों को कांटेक्ट कर रहे हैं पैर का अंगूठे को, फिर सीधा छोड़ दे रहे, फिर कांटेक्ट कर रहे हैं, फिर सीधा छोड़ दे रहे। इस तरह से 8-10 बार ये पार्ट टाइम कर सकते हैं, यह आपके लिए कोई एक्सरसाइज जैसा नहीं हुआ और ज्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ेगा और रिकवरी तेज होना शुरू होगा। उसके बाद जो मैंने सिलिप्टिक साइटिका के लिए अब फिर उठने का तरीका यह है, उसके बाद जो मैंने बताया सिलिप्टिक साइटिका का पार्ट वन करें, पार्ट वन में थोड़ा और सुधार होगा तो पार्ट टू करें, लेकिन यह देख लेंगे कि जब पार्ट टू करने लगेंगे तो पार्ट वन की जरूरत नहीं है, उसमें सब इंक्लूड किया गया है। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, इसके आगे पार्ट थ्री तक मैंने अभी दिया है, उसके बाद 4-5 दूंगा, तो उसका मतलब ये होगा यहाँ तक तो मैं ट्रीटमेंट तक के दिया कि आपका ये प्रॉब्लम बैक का ठीक हो जाएगा, लेकिन हमेशा ठीक रहे और इतना स्ट्रेंथ रहे उसके लिए क्या करना है तो वो और आगे, उसके आगे मैं बताऊंगा। फिटनेस रहेगा जिसमें आपके अंदर कमर के अंदर स्ट्रेंथ, ज्यादा से ज्यादा आप खड़े रह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा बैठ सकते हैं, थकान आएगी लेकिन प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगा। आप फिर कुछ भी कर सकते हैं, झुक सकते हैं, उठ सकते हैं, हार्ड वर्क कर सकते हैं, गौर बात कर सकते हैं, सब कुछ नॉर्मल जैसे पहले था वैसे आप कर सकते हैं, तकलीफ होने से पहले सब कुछ हो जाएगा। बस ये ध्यान रखें जब करेंगे तो इस पे बहुत ज्यादा एग्जर्शन नहीं, अब परहेज जरूरी है, आधा इलाज इसका परहेज है, तो आप परहेज को भी गौर करें। अब जैसे रेस्ट कहा गया तो शुरू में इसके अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए, ये बीमारी ऐसी है कि अगर अपने आप ठीक नहीं होगी तो अपने आप तकलीफ इसकी बढ़ेगी नहीं, जब तक इसके अगेंस्ट में इसके विपरीत हम कुछ छेड़छाड़ ना करें कि इसकी पूरी पहचान है। अब कभी पैर लगता है बैठे रहने पर है तो एक पैर को ऐसे पार्ट टाइम ऐसे मोड़ सकते हैं, दूसरे को लटका के रखें, लटकने में अगर यहाँ सर्कुलेशन ऑफ होता है तो दिक्कत होती है, यहाँ कुछ ऊंची चीज लगा दें, ये कर सकते हैं, लेकिन पहले कम से कम बैठें। अब इसका तरीका क्या होता है कि जैसे आपकी क्षमता बढ़ गई, आप पहले 5 मिनट नहीं बैठ पाते थे, अब आधा घंटा बैठने लगे, तो आपको यहाँ ये करना है कि 15 मिनट बैठा करें। जब तो एक घंटा बैठ सकते हैं, एक घंटे बाद तकलीफ होती है, तो यहाँ आपको ये करना है कि हम आधे घंटे से ज्यादा ना बैठें, तब वो धीरे धीरे रिकवर होता जाएगा। अब धोखा क्या होता है कि जब हमारी सलाहियत एक घंटे की बैठने की हो गई तो हम एक घंटा पार कर जाते हैं, फिर जब तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है तो हम बैक होते हैं, ये हमारे लिए भूल हो जाता है और फिर सोचने लगते हैं फिर बढ़ गए, तकलीफ सही मायनों में सुधार ठीक ही नहीं हुआ और हम उस पर केयर नहीं कर पाते हैं। तो हमें धीरज के साथ, यदि हमें हमेशा के लिए क्योर चाहिए, इस बीमारी से छुटकारा चाहिए, तो पूरा प्रिकॉशन लेंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ऐसे सालों साल लोग गुजार देते हैं और तकलीफ में हमेशा रहते हैं, इससे अच्छा एक बार एक मिशन की तरह इसमें लग जाए कि इसे हमें क्योर करना है और हमेशा के लिए ठीक करना है। और उसी बात मैं एक ये बताना चाहता हूँ कि इसमें कमर की तकलीफ कई तरह से आती है, एक उम्र की वजह कर, कभी पोस्चर की वजह कर, किसी को कोई अचानक झटके लग गए तो आती है, तो वो कुछ जल्दी भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो कहा जाता है इसके एक्सरसाइज ट्रीटमेंट एक जैसा जरूर है,
लेकिन पेशेंट एक जैसा हमेशा नहीं होता है, ये आप हमेशा मानकर चले। हर पेशेंट में कुछ ना कुछ फर्क होता है। सपोज कोई ज्यादा उम्र दराज है, कोई बहुत ज्यादा मोटा है, कोई बहुत ज्यादा पतला है, किसी को बहुत शारीरिक कमजोरी है, तो उनमें तकलीफ अलग अलग हो जाती है, तो उनका अलग अलग तरीके से किया जाता है। बीमारियां एक है, बीमारी सबको एक जैसी है, उसका इलाज भी जैसे एक जैसे करेंगे, लेकिन उसका तरतीब बदल देंगे, क्योंकि उनका बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से, उनका स्ट्रेंथ के हिसाब से, उनका विल पावर के हिसाब से। तो इस पर आप तवज्जो दें और उम्मीद करता हूँ उससे फायदा होगा और नर्वस नहीं हो और हमेशा के लिए एकदम ठीक हो जाएगा। बस इस पर आप गौर करते रहें कैसे करना है, थोड़ा धीरे 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 और बहुत ज्यादा रहे। अब इस सबका एक ड्यूरेशन, लोगों को ये जानकारी नहीं होती है। सपोज कीजिए आप 2 हफ्ता रेस्ट करें, रेस्ट में हल्का हल्का एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपका रिकवर होता जाएगा। उसके बाद हार्ड एक्सरसाइज करते जाएंगे, इसका भी प्रमोशन होता है। जैसे पहला क्लास पास किया, दूसरा क्लास पास किया, तीसरा क्लास, इसी तरह से इसका भी सिलेबस होता है। और गॉड विलिंग आपको फायदा होगा और इस पर ख्याल रखें। और जो भी जिस तरह से ये हमें समय समय पर जैसे मौका मिलेगा, हम आपको पूरी जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।